हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज बनाने जा रहा जी भाई मिर्ची फिश कोरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये रोहू मछली है जी, जो कि 2 किलो 125 ग्राम है, ठीक है जी। इसको करना जी मैरिनेट नमक से, 1 चम्मच हल्दी, ये हल्दी से। तो जी इनको प्रॉपरली मला मुलगुल लो चंद्र से। तो जी मैरिनेशन हो चुकी है, अब इसको हमको फ्राई करने का है। तो दोस्तों कढ़ाई मैंने लगा दी है, तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। ये ना सोचना ये तेल कैसा है भाई, इसमें मैंने 2 मछलियाँ पहले फ्राई करके खा ली, ठीक है जी। तो डाल दो जी पीस फ्राई करने के लिए, ये 2 पीस। अब इसे छेड़ना नहीं है जब तक ये हल्के फुल्के ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। जब एक साइड ब्राउन हो जाए फिर पलटी मार के दूसरी साइड ब्राउन कर देनी है, ठीक है जी। बस अभी फिलहाल छेड़ना नहीं, इसे ध्यान रहे इसे हमने हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बस कच्ची नहीं मारना, टूट जाएगी नहीं तो अभी ये। तो जी चेक करते हैं कि ब्राउन हुआ या नहीं हुआ। अरे हुआ हुआ हुआ, ठीक है। बस अब आपने ऐसे ही इनको फ्राई करना है, और इस साइड से भी इसको ब्राउन करने का है, ठीक है ना। बस अब यूं ही अपनी जो मछलियाँ जी और वो फ्राई करते चले। तो लो दोस्तों भाई सारी मछलियाँ मैंने फ्राई कर दी, अब करते जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो दोस्तों भाई नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से है जी, ये लाल मिर्चियाँ हैं जो करीब 10 से 12 पीसेस होंगी, ठीक है जी। इसमें डालने जा रहा हूँ जी मैं 2 निक्के अदरक, ठीक है जी, इस साइज के 10-11 लहसुन की कलियाँ, ये थोड़ी मोटी मोटी कलियाँ हैं, ध्यान रहे चीज़ का, ठीक है जी। इसका हमको पेस्ट बनाने का है, थोड़ा इसमें पानी ऐड करता हूँ मैं। ये बताना तो मैं भूल गया भाई, ये मिर्चियाँ मैंने रात को भिगो के रख दी थी, ठीक है, गर्म पानी में। और जो अंदर के बीज हैं भाई वो भी मैंने इसमें निकाल दिए हुए हैं। तो दोस्तों भाई पेस्ट बन चुका है, भाई कैमरे में कैसा रंग आ रहा है और असली में कैसा है, चलो कोई नहीं। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से है जी, ये जी ब्राउन प्याज है, ठीक है जी, जो उनको मैंने फ्राई किया था भाई, इसका भी पेस्ट बनाने का है। तो लो जी भाई पेस्ट बन गया। तो दोस्तों भाई नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से है, तेल मैंने लगा दिया, तेल वही है जिसमें मैंने अपनी मछलियाँ फ्राई की थी, ठीक है। तो अब करना क्या, इसमें डालेगी 2 बड़ी बड़ी इलायचियाँ, 1 जावित्री, 1 दालचीनी, 1 चक्रफूल, 3 लौंग, 2 तेज पत्ते और 3-4 चले गए, 5 इलायचियाँ निकी निकी। तो जी इसे भून लो। तो दोस्तों भाई खुशबू आना स्टार्ट हो गई है जी, ठीक है, मसालों की। अब मैं गैस का फ्लेम लो करने जा रहा हूँ फटाफट। तेल को अभी थोड़ा ठंडा होने दो। तो जी तेल ठंडा हो गया जी, अब मैं डाल रहा हूँ जो मिर्चियाँ का पेस्ट, डाल दी सारे का सारा, तो मिला लो अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम लो ही रहने देना। इसमें डालेंगे जी अब 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पर पर के। तो जी मिला मलो लो चंगी तरह से, हल्दी मिलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1.5 चम्मच सौंफ पाउडर भी मिला दो, 1/2 चम्मच सुंड पाउडर यानी जिंजर पाउडर मिला दो, तो मिला लो। अब गैस का फ्लेम हाई करके इसे करछी चलाते चलाते ना करीब 2 मिनट पका लो। तो जी 2 मिनट हो गया करछी चलाते चलाते हाई फ्लेम पे, बड़ी खांसी आ रही है यार मिर्चों की। अब गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जी वो ग्राइंड किया हुआ प्याज, ठीक है जी। तो जी अब मला लो अच्छी तरह से, गैस का फ्लेम लो ही रखना, हाई नहीं करना अभी। तो जी लगे हाथ डाल दो जी नमक, क्यों बाद में आप मछली मिला के ना हिला डुला नहीं पाओगे इसको, ठीक है। नमक मिला लो अच्छी तरह से, और ध्यान रहे कि मैरिनेशन के टाइम भी हमने नमक मिलाया हुआ था, कहीं ज़्यादा जुदा ना हो जाए, ठीक है ना, ध्यान रहे। चीज़ उबाल आ चुकी है, मैं गैस का फ्लेम लो करने जा रहा हूँ, इस पर ढक्कन रख रहा हूँ 5 से 6 मिनट के लिए बस। दोस्तों 5-6 मिनट हो गए, ओ तेल दो पर आ चुका है। तो अब करना क्या है जी, करना कुछ नहीं है, अब एक एक करके जो मछलियाँ जी सेट कर दो इज्जत से, इज्जत से। तो जब करना क्या है, सो धीरे धीरे मिला लो चंगी तरह से, लेकिन ध्यान रखिए कि मछली टूटे ना यार, फूटे ना। दोस्तों मैंने मिक्स मुक्स कर दिया है बिना तोड़ तोड़ के, ठीक है नहीं। अब मैं इस पर ढक्कन रख रहा हूँ, गैस का फ्लेम लो ही रखना, अभी हाई नहीं करना आप, और 5 मिनट के लिए इसको दोबारा लो फ्लेम पर पका लो। तो दोस्तों 5-6 मिनट हो गए, ओ तो जी अब करना क्या है, अब इसमें आप अपने हिसाब से पानी मिला लो, जितना आपको चाहिए होगा, मैं तो मिला रहा हूँ 0.5 लीटर पानी। अब गैस का फ्लेम हाई करोगे आप इज्जत से, अब उबाल का वेट कर लो आप। तो जी उबाल आ चुकी है, मैं गैस का फ्लेम लो करने जा रहा हूँ, और फिलहाल 15 मिनट के लिए इसको मैं लो फ्लेम पर पकाने जा रहा हूँ, 15 मिनट के लिए ध्यान रहे। तो दोस्तों 20 मिनट हो गए, 20 मिनट लो फ्लेम पर पकते हुए। अब करना क्या जी, अब करना कुछ नहीं है, अब हम इस पे छिड़केंगे करीब 1 चम्मच भाई जीरे का पाउडर, ठीक है, छिड़कना है ध्यान रहे, और छिड़कना जी गरम मसाला, बट मेरे पास किचन किंग है, मैं किचन किंग डाल रहा हूँ, ठीक है, आप गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, करीब 1 टेबल स्पून। 1 चम्मच धनिया कूटा हुआ, ठीक है, छिड़को, इसे छेड़ना नहीं है, हाँ सुना आपने, ग्रेवी ना ग्रेवी, ये चुको और इस पे यूं करके डालो, ठीक है। देखो ग्रेवी की गाढ़ी गाढ़ी बनी है। तो जी सब पे मैंने डाल दिया जी, ठीक है ग्रेवी। अब करना क्या, लो ही फ्लेम रहने दो,
ढक्कन रखो करीब 10 मिनट के लिए। ओ तो दोस्तों 10 मिनट और हो चुके हैं। ओ भाई फर्स्ट क्लास ग्रेवी बड़ी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो जी बनके तैयार है जी, ठीक है। अब करना क्या है, अब ध्यान रहे, अब गैस में बंद करने जा रहा हूँ और मैं इसे अब ठंडा होने दूंगा, कंप्लीट ठंडा होने, नहीं तो ये टूट टाट सकती हैं, ध्यान रहे चीज़ का, पंखे के नीचे रखो से। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गए जी अपना भाई मच्छी कौरमा, भाई फिश कौरमा बोल लो भाई। मच्छी कौरमा खाने से पहले प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना 10-10 सेकेंड प्लीज़। हाँ भाई ये आपके ही कमेंट्स हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी बनता है ना भाई। आप भाई लोग बहन लोग पूछते हैं कि भाई बाहर का खाना कब एक्सप्लोर करोगे, रेस्टोरेंट्स का ढाबों का, भाई आखिर कब। भाई देखो बाहर के खानों पे आपको क्या सुनने को मिलेगा, केवल तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ और तारीफ पे तारीफ, है ना। क्यों भाई बंदा सिर पे खड़ा होगा, ये भी नहीं बोल पाऊंगा नमक तेज है, मिर्च तेज है, कम है, ज़्यादा है, क्या है भाई। खुद से गया हूँ भाई, खुद जाके वहाँ पर समझ, मेरी बात समझ रहे हो ना आप। तो भाई आप कैसे उसके सामने बुराई करोगे। यही रीज़न है कि मैं बाहर का खाना घर पे लेके क्यों आता हूँ, जो अपने जोमेटो वाले भाई आते हैं घर पे डिलीवरी करने, मल्टीपल चीज़ें मंगवाता हूँ, देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, यही रीज़न है। अब समझ गए होंगे मेरी बात को, जो समझदार होंगे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट ये ना सोचना कि मैं बाहर का खाना एक्सप्लोर नहीं करूँगा भाई, करना है, ज़रूरी करना है, मेरा दिल है ट्रैवलिंग करने का, बट आउटस्कर्ट्स, बट वो मेरे वे में, मेरे तरीके से। यही रीज़न है कि मैं अभी क्यों रुका पड़ा हूँ। हाँ प्लान चल रहे हैं फिलहाल, तो जोमेटो से मंगवा के मल्टीपल चीज़ें रिव्यू कर ही रहा हूँ ना। तो भाई आज कमरे में इसलिए कर रहा हूँ, फिर से बाहर कोठियाँ बन रही है जी, ठीक है जी, काम बहुत चल रहा है जोरों पे, यही रीज़न है कि अंदर क्यों मैं शूट कर रहा हूँ। तो भाई अब देखो कितनी बातें हो गई यार, देखो 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 ये रहा जी कौरमे का ग्रेवी। हाँ ये मैंने अलग से निकाल ली, मगर ना अगर कढ़ाई में ऊंच नीच कर दी तो मछलियां ऊंच नीच कर देंगी, टूट टाट जाएंगी। हाँ ये मैंने मछलियां बाहर निकाली इज्जत से, 1, 2, 3 और 4 देखो। हाँ ये मैंने सजा के रख दी हैं। अब मुद्दा किसका है, मुद्दा है जी इसकी ग्रेवी का, गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी का। बट अगर आप चाहो तो इतनी गाढ़ी रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पतली भी रख सकते हो, बट अपन को थोड़ा गाढ़ी ग्रेवी खाने का बहुत शौक है यार। हाँ देखो टेक्चर, देखो टेक्चर, देखो टेक्चर है, टेक्चर सही है ना, है अच्छा है ना। ओ भाई टेस्ट करते पहले इसको इज्जत से। ओह थोड़ा और बनता है, वंस और बनता है। ओहो भाई परफेक्ट है, मुझे डाउट था कहीं नमक तेज ना हो गया हो, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना छेड़ना नहीं है यार, लेकिन नमक अच्छा है, परफेक्ट नमक हो गया हुआ जी। हाँ और स्वाद वही तीखा, वही बड़ा प्यारा तीखा, वही अच्छा तीखा, समझ मेरी बात को, गंदा तीखा नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं, अच्छा तीखा। हाय हाय बाकी बाकी मसालों का फ्लेवर बड़ा बढ़िया, हर चीज़ का फ्लेवर, जावित्री, तेज पत्ता, वो पत्ता, ये पत्ता, सबका फ्लेवर बढ़िया। ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी क्यों भाई, प्याज अनियन 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 जो भी फ्राई करके डाले हुए हैं उसे मिठास, वहाँ से तीखापन, यहाँ से मिठासापन, दोनों मिक्स होकर आपको भरपूर फ्लेवर दे रहे हैं जी। जबरानजा, जबरानजा आज बड़े दिनों बाद जबरानजा टेस्ट आया, लेकिन अभी फिलहाल ग्रेवी में, अभी मच्छी पे ट्राई करनी भाई। आओ मच्छी आओ, तुम्हें मैं इज्जत से लेके आऊँ अपने प्लेट में, और तू आ जा इज्जत से लैंड कर मेरे। देखो जी ये जी स्थिति है, कैसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, देखो ये रही ग्रेवी चिपकी हुई। हाँ देखो 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 स्वाद, देखो स्वाद, देखो स्वाद, देखो ये देखो ये देखो ये देखो कितनी चिट्टी चिट्टी है, वाइट वाइट। ओ वो कंडे तो पहले ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ इज्जत से बैठे हैं, इज्जत से, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खा लेंगे तब भी। ओए थोड़ा बनता है, ओए होए 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 होए, मैं कहीं बोलूँ, मैं आज तो होए 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 हो रहा है भाई। रोहू मछली कितनी मीठी होती है तो आप जानते ही हैं यार, वाकई में यार वो मिठास मछली का और बाहर तीखापन ग्रेवी का, और क्या कॉम्बिनेशन बन रही है यार, क्या टेस्ट आ रहा है, क्या फ्लेवर आ रहा है यार भाई, स्वाद है। ओ जबरानजा 10x ओए, ओ 20x, बड़े दिनों बाद, काफ़ी दिनों के जबरानजा नहीं हो रहा था यार।
यार मैं एक चीज़ ना बड़ा हैरान और परेशान हूँ। मैंने कुछ बंगाली भाई देखी हैं, अपनी बहनें देखी हैं, मतलब वीडियो तो मैं भी वॉच करता रहता ना यूट्यूब के ऊपर खाते हुए, यार वो मछलियाँ एक खा जाते हैं यार, कंडे नहीं चुभते क्या? ओ यार मैंने कहा पता यार, देखो डर लग रहा है मेरे को अंदर कंडा ना हो। नहीं आया भाई, तो टूट गया। एक भाई ने कहा वह टेंशन ले नहीं, कंडा अगर चुभ भी गया ना और अटक भी गया ना, सूखे चावल ठोक दो, केला साइड पे रख लो, ये कुछ औजार औजार नहीं, ये कुछ तरीके हैं भाई कंडा करने के। तो भाई ले देखे भाई, स्वाद जो है भाई मच्छी का बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा ही कहर है और बड़ा ही मज़ेदार है भाई, बनता है, ट्राई तो बनता है आपका करना यार। पर ध्यान रहे जो तीखेपन खाने के शौकीन होंगे ना वो तो खूब इन्जॉय करेंगे, पर जो नहीं होंगे ना वो हाँ पानी पी पी के बुरा हाल करेंगे। कि वाकई में जो अनियन 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 उसका भी बड़ा अहम रोल है यार कोरमे में। आखिर मैं खासकर कोरमे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कंडा तो नहीं होए आए, उसका फ्लेवर बड़ा मेजर रोल अदा करता है फ्राइड अनियन का, और जो ग्रेवी का गाढ़ा बना है वो भी वही करता है कौन, फ्राइड अनियन पकाना लेकिन सही ढंग से यार, तेल ऊपर आना चाहिए। अरे भाई खाते खाते एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ओए कंडे हट जा साइड पे। हाँ भाई कमेंट याद आया, कमेंट क्या इल्ज़ाम याद आया है, इल्ज़ाम भाई आप में ना एटीट्यूड आया हुआ है जी, मेरे में एटीट्यूड आया हुआ है, घमंड आ चुका है मेरे पे। भाई घमंड तो नाश होता है इंसान का, नाश मेरे में घमंड नहीं आया हुआ है। क्यों कहते भाई रिप्लाई नहीं करते आजकल आप? भाई रिप्लाई करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, सबको करता हूँ, बट होता क्या कि जब मैं फर्स्ट डे वीडियो पब्लिश करता हूँ ना, मेरा 90% कोशिश रहता है कि उसी दिन में सबका रिप्लाई कर दूँ, बट हाँ उसके नेक्स्ट डे फिर क्या रहता है, फिर बंदा फिर दोबारा शूट में लग जाता है या किसी काम में लग जाता है, फिर नहीं कर पाता हूँ, बड़ी दिक्कत आती है उस टाइम पर ना, मतलब कि दिक्कत क्या टाइम नहीं मिल पाता है यार, समझे मेरी बात आप? तो लेकिन सेम डे जैसे मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ ना उस दिन मैं सबके रिप्लाई करता हूँ यार 100%, बट एटीट्यूड नहीं आया, घमंड नहीं। भाई घमंड इंसान का नाश करता है, बस ये सुन लो आप, घमंड कभी नहीं आ सकता इंसान को, हमेशा ज़मीन पर लेटे रहो, बोलते ना डाउन टू अर्थ, ज़मीन पर लेटे रहो, ज़मीन से ऊपर ना आओ। अगर ज़मीन में ऊपर आ गए, दिमाग में कुछ घुस गया ना अहंकार, आप ख़त्म हो जाओगे उस टाइम पे। तो भाई ये सारी स्टोरी है भाई इस मच्छी की, मच्छी स्टोरी अभी चलनी है। कंडा मैं अभी इसको थोड़ा और इन्जॉय कर रहा हूँ। याद आया भाई इसमें ग्रेवी क्यों डाली मैंने, इस ग्रेवी कह रहा हूँ, दही दही यार हम दही नहीं खाते, मतलब कि मछली के साथ हम दही यूज़ नहीं करते, कहते जी और दाग दूग पड़ते हैं जी चेहरे के ऊपर, समझे मेरी बात, वो ब्राउन चिट्टा दाग, तो इसलिए डर के मारे नहीं, क्योंकि कोरमे की रिक्वायरमेंट होती है, दही होती है, बढ़िया डर के मारे नहीं डाला। तो भाई आपने नोटिस किया होगा मैंने किचन किंग का यूज़ किया, क्योंकि किचन किंग आज की डेट में मेरा फेवरेट मसाला बन चुका हुआ है गर्म मसाले के रिप्लेसमेंट में, तो आप गर्म मसाला भी यूज़ कर सकते हो अगर किचन किंग अवेलेबल ना हो, समझे मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर किचन किंग से क्या है कि फ्लेवर अच्छा आता है कोई भी कंपनी का, स्वाद वे स्वाद, ओए रोहू मछली कितनी मीठी, ओए ओ बड़ी मीठी है तू। तो जी ये थी सारी स्टोरी क्या बोला मैंने, जो भी बोला भाई, इस ग्रेवी की और इस मच्छी कोरमे की। अब जो मेन डिपार्टमेंट आता है जी वो था किंग का डिपार्टमेंट, अब किंग को लेके आते हैं इज्जत से। तो लो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है, आज भी किंग बहुत ही हैंडसम एंड ग्लैमरस लग रहा है, देखो कितना खिला हुआ है, देखो देखो 1, 2, 3 and 4 सो कूल गरीची वाली कूल लेके। तो आओ भाई मोटी मोटी ग्रेवी को अंदर लेके आते हैं इज्जत से अपने प्लेट में। आ भाई आ जा जा, देख के स्वाद आ रहा है, देख के स्वाद आ रहा है। आओ भाई इसे कहते हैं मिक्स मुक्स चंग तरह से। आ भाई पहली बाइट, थोड़ा और कट मार दिया मैंने, थोड़ा और, ना जाने कौन सा दुश्मन मुझे गाली दे गया, वो इधर हल्का सा कट मार दिया, ओए 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 भाई किंग के साथ क्या हुआ, किंग ने तीखापन बड़ा माइल्ड कर दिया, फ्लेवर थोड़ा बैलेंस कर दिया,
जो करता किंग हमेशा जो है ना जस्टिस करता है, जस्टिस हमेशा जस्टिस करता है किंग हमेशा, हाँ देखा ना जस्टिस क्या बोल करता हूँ। तो भाई किंग ने ये कहा कि भाई बड़ा अच्छा बनाया तूने, बड़ा फ्लेवर आया मुझे भी और तुझे भी, भाई गजब है यार, मज़ा आ रहा किंग से खाने का, इंजॉय करोगे इंजॉय। तो और थोड़ी ग्रेवी और लेते हैं। ग्रेवी वाकई में काफ़ी गाढ़ी है, काफ़ी गाढ़ी है। तो मैंने कहा जैसे आपसे कि आप चाहो तो भाई आप पतली ग्रेवी भी रख सकते हो, क्या चक्कर है, तो आ जाता तो सारा आ जा, सारा आ जाओ, आयो सार आ जाओ आवे। मच्छी रख के क्या स्वाद आया भाई, ग्रेवी मच्छी एंड किंग, क्या लजीज टेस्ट आया यार, आ तो जबरान सा पे जबरान सा, जबरान सा पे जमराजा हो जा रहा है, बल तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ भाई एक बाइट उस भाई के नाम पे, मुझे भाई का नाम याद दिया, कहता भाई एक बाइट ना शांति से लेकर ना खाना, ठीक है हमें भी फील लेने देना यार, पता नहीं कैसे अब मैं ये शांति से खा रहा हूँ और कुछ नहीं बोलूँगा, ना ऊ ना इं ना आ, ठीक है अब चुप। भाई मैंने कंट्रोल कैसे किया खुद पे, आदत है ना बोलने की चलो भाई खुश तो भाई दोस्तों भाई ये था जी भाई अपना मच्छी कोरमा, आप ये जरूर ट्राई करना, मुझे बताना कैसा लगा कैसा बना। तो अभी तक लिए इतना ही, जब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।